नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीथ्रॉक्स टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, कंपोजिशन, प्राइस, डोजेस और साइड इफेक्ट्स, इन सब के बारे में आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसके कंपोजिशन की बात करें, तो इसके अंदर ईच टैबलेट में एजिथ्रोमाइसिन 500 mg में होता है, और इसको मैक्लियर्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर बात करें इसके मार्केट प्राइस की, तो ये आपको 131 रुपये में 5 टैबलेट की एक स्ट्रिप मिल जाती है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो जी, इस टैबलेट के अंदर जो एजिथ्रोमाइसिन है, ये एक मैक्रोलाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक दवा होती है। यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। यह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उसको ख़त्म करता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो यदि किसी को ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को कान में सूजन आ जाती है, कान जो है बहने लगता है और उसमें दर्द होता है, तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है, यदि किसी को टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी को सर्दी जुकाम होने के कारण खांसी हो जाती है, तब भी इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। और यदि किसी को बुखार हो गया हो, या फिर गले में खराश हो, या फिर गले में दर्द हो रहा हो, तब भी एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट जो है ये प्रिस्क्राइब की जाती है। और यदि किसी मरीज को निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बुखार आता है और उसे खांसी आती है, और व्यक्ति को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है, कफ बनता है, और उसके सीने में जो है वो जकड़न हो जाती है, दर्द रहता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी एजिथ्रोमाइसिन जो है टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी को STD इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है UTI इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का संक्रमण हो जाता है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन होना और पेशाब में दर्द रहना, ये सारी समस्या हो जाती है, तब भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है। यदि किसी को त्वचा में एलर्जी हो जाती है, खुजली हो जाती है, या फिर फोड़ा फुंसी हो जाती है, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो ये थे एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट के मुख्य मुख्य यूजेस। अब जान लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में। तो जनरली इसकी जो डोज है, वो मरीज के बॉडी वेट और एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। फिर भी जो इसकी कॉमन डोज है, तो एक एडल्ट व्यक्ति में जो इसकी डोज है, एडल्ट व्यक्ति 500 mg की टैबलेट को दिन में एक बार ले सकता है, और इसे जो है 3 दिन से लेकर 5 दिन लेने की सलाह दी जाती है। तो अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, स्टमक जो है वो अपसेट हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है व्यक्ति को, स्किन में एलर्जी हो सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं ये हो सकते हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी जीथ्रॉक्स टैबलेट के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।